चित्रकूट पर्वत पर एक हाथी रहता था, जो बड़ा ही शक्तिशाली था, बड़ा ताकतवर था। लेकिन कमी ये थी कि उसके अंदर अभिमान था, अपने बल का अभिमान, अपनी ताकत का अभिमान। और चाहे किसी के अंदर कोई भी गुण हो, हजारों गुण हो, परंतु अगर उसमें अभिमान रूपी अवगुण थोड़ा सा भी अगर जुड़ जाता है तो वो सारे गुण छिप जाते हैं। अकेला अभिमान रूपी जो अवगुण है वो सारे गुणों को ढक देता है। अभिमान किसी को भी किसी भी चीज का हो सकता है, और अभिमान एक ऐसा दुर्गुण है जो सारे अच्छे काम करने के बाद प्रकट होता है। मान लो आपने भजन किया, अच्छा काम किया, लेकिन उसका अभिमान आ गया कि मैंने भजन किया, बस आपका भजन वही नष्ट हो गया। आप दर्शन करने गए, आपने परिक्रमा लगाई, आपने अच्छे काम किए, अच्छे कर्म किए, पूजा की, लेकिन जरा सा अभिमान आया कि मैंने भगवान की पूजा की, मैंने परिक्रमा की, तो सारे गुण खत्म। तो गजेंद्र को भी अपनी ताकत का, बल का बड़ा अभिमान था। तो एक दिन परिवार के साथ घूमते घूमते उसे प्यास लगी, जल पीने के लिए एक बगीचे में गया अपने परिवार के साथ, पानी पीने लगा सरोवर में से। लेकिन पानी पीते पीते उसको थोड़ा मस्ती सूझी, सोचा क्यों ना थोड़ा मजाक किया जाए, परिवार साथ में है, सब सगे संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार सब साथ में, उनके साथ मिलकर के स्नान करने लगा, सरोवर में नहाने लगा। अब बड़ी आनंद में एक दूसरे के ऊपर हाथी पानी डाल रहे हैं सूंड में भर करके। गजेंद्र बड़ा खुश है, पूरा परिवार उसके साथ है, सब लोग आनंद में हैं, मस्ती कर रहे हैं, मौज आ रही है, बड़े खुश थे। परंतु तभी एक पानी में, सरोवर में एक ग्रह आया, ग्रह माने मगरमच्छ। मगरमच्छ ने आकर के गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब एक हाथी के लिए उस मगर से पीछा छुड़ाना कोई बड़ी बात नहीं, और यहाँ तो गजेंद्र अनेकों हाथियों से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था, उसके लिए तो कोई भी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये जो ग्रह था कोई साधारण नहीं था, ये काल बन के गजेंद्र को पकड़ने के लिए आया। पैर पकड़ा, गजेंद्र ने कोशिश की पैर अपना छुड़ाने की, ग्रह ने पैर नहीं छोड़ा। जब आदमी पर मुसीबत आती है तो वो सबसे पहले अपने कोशिश करता, अपना बल लगाता है उससे बचने के लिए, लेकिन जब खुद थक जाता है तो अपने परिवार को देखता है, रिश्तेदारों को देखता है कि अब ये मेरी मदद करेंगे। वो भी आते तो है लेकिन सिर्फ मुंह दिखाने के लिए। कोई मदद नहीं करता, जब तक सामर्थ्य है थोड़ा बहुत कर दिया, बाकी सब छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। गजेंद्र का परिवार भी, बेटा, बेटी, पत्नी, सारे जितने भी उसके लोग थे, बाकी हाथी थे, सबने कोशिश की कि पिताजी को छुड़ाएं ग्रह के मुख से, कोशिश किया बाहर निकालने की, लेकिन वो भी थक गए। अब कब तक भूखे प्यासे इसके पास खड़े रहेंगे, सोचा चलो इसे छोड़ के अपने अपने वापस चलो। सारे एक एक करके गजेंद्र को छोड़ करके वहां से चले। अब गजेंद्र बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब तो ना तो उसका तन साथ दे रहा है, ना उसका परिवार साथ दे रहा है, अब किसको पुकारे, किसको याद करे। अच्छा, अब तन बल भी खत्म हो गया, अब परिवार का बल भी खत्म हो गया, तब
जीव किसकी शरण में जाता है? किसकी शरण में जाता है? किसकी? भगवान। तब उसे भगवान की याद आती है। बड़े बहुत कम वो लोग होते हैं जो सुख में भगवान को याद करते हैं, बहुत कम। और जो सुख में भगवान को याद करता है, समझिए कि वो भगवान की सच्ची भक्ति कर रहा है। लेकिन जब दुख आए तब भगवान की याद आए, ये बात चलो ठीक है कि चलो कभी तो याद किया भगवान को, चाहे सुख में किया दुख कभी तो किया, लेकिन फिर भी सच्चा भक्त वो है जो भगवान को ना सुख में भूले और ना दुख में भूले। लेकिन हमारी भक्ति जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्वार्थ में लिप्त होती है, इसलिए सुख में तो सब भूल जाते हैं, सुख है तो किसी को याद नहीं रहता भगवान, लेकिन जब थोड़ा सा दुख आता है तब सब मंदिरों में भागते हैं, तब प्रभु की शरण में भागते हैं, भगवान रक्षा करो रक्षा करो। पहले भी आपने कल परसों भी कथा श्रवण की कि पांडवों पर भी जब भी विपत्ति आई, आप सबने लगभग महाभारत देखी होगी या पढ़ी सुनी होगी, जब भी पांडवों पर विपत्ति आई हर समय पांडव सीधे भगवान की शरण में गए और भगवान ने ही पांडवों की रक्षा भी की। क्योंकि इस दुनिया में जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब सब बाहर छुड़ा के भाग जाते हैं, तब केवल भगवान एक बचते हैं जो आकर के जीव की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। इसीलिए किसी ने सच्ची कहा है, कोई भक्त कहता है प्रार्थना करता है और भगवान से कहता है, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं
पर कोई भी विपत्ति आती है तब भगवान स्वयं किसी ना किसी रूप में वहां जाकर के उस भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। जो बड़ा ही सुंदर शिलाभा जी का जो ग्रंथ है भक्तमाल, भक्तमाल में प्रभु के अनेकों भक्तों का वर्णन है, जहां भगवान ने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की, वहां आकर के अपने भक्तों को क्या क्या नहीं किया भगवान ने। कभी भगवान भक्तों के घर जाकर के, कभी किसी के घर झाड़ू लगाई, किसी के घर कहीं अर्जुन का जाकर के रथ चलाया, तो कहीं बलि का जाकर के पहरेदारी की, क्या क्या नहीं किया भगवान ने। भक्तमाल में वर्णन आता है कि एक प्रभु की भक्त हुई जिनका नाम सक्कूबाई था। तो सक्कूबाई जो थी, सक्कूबाई भगवान से बड़ा प्रेम करती थी, प्रभु को बड़ा चाहती थी, लेकिन सक्कूबाई की जो सास थी वो बड़ी, सास तो सास होती है इस दुनिया में, हर स्थान पर, हर राज्य में कुछ कुछ चीज़ें बदलती रहती है, जैसे भोजन बदलता है, भाषा बदलती है, आप यूपी में जाओ तो दूसरी भाषा, दूसरे तरीके का रहना सहना, उत्सव दूसरे, लेकिन ये सास ऐसी है जो हर जगह एक ही जैसी होती है। बहू के नाक में दम करके रखती है, बहू आगे आगे झाड़ू लगाएगी, पीछे पीछे उसके घूमती रहेगी, कहाँ कहाँ इसने कूड़ा छोड़ा, कहाँ कहाँ इसको डांट लगाओ। ये जो सास होती है ना, ये हमेशा जीवन भर दुखी रहती है, क्योंकि इनको दुखी होने का इनका कोई कारण नहीं है, बस अपने मन से ही दुखी होती है। एक बहू की नई नई शादी हुई तो वो घर आई, तो नई बहू घर आती है तो पहले भोजन बनाती है अपने घर के लोगों के लिए, परिवार के लिए, तो फिर उसको नेक भी देते, कोई पैसा देता है, कोई कुछ देता है, जब वो पहला रसोई करती है। तो बहू ने सोचा मैं क्या बनाऊं सासू जी के लिए, क्योंकि घर में जब बहू जाती है ना तो सबसे पहले उसे डर यही रहता है कि सासू कैसे खुश हो, और तो सारे सबको कर लूंगी लेकिन ये कैसे खुश हो। तो सोचा कि कुछ ऐसा बनाऊं जो ये सास पहले ही दिन से मेरे कब्जे में आ जाए, कोई बढ़िया सा भोजन बनाऊं। क्या बनाऊं, तो सोचा खीर बनाती हूँ, मीठा मीठा खीर खाएगी तो शायद जीवन भर मीठा ही बोलेगी, फिर कड़वा बोलना भूल जाएगी, मीठी मीठी खीर बनाई, लाके सास को रख दी। अब सास को रख के बेचारी घूंघट करके कोने में घड़ी घड़ी कांप रही थी कि अब सासू जी पूरा अपना निर्णय सुनाएगी कि कैसी बनाई खीर। तो जैसे सासू ने चम्मच लेके खीर खाई, सास भड़की, इधर इधर उधर देख के बोली बहू से, अरे बहू मायके से क्या तेरी माँ ने तुझको खीर बनानी भी नहीं सिखाई, भला कोई खीर में इतना मीठा डालता है, इतना मीठा डाल दिया। बहू कांपती कांपती आई, बोले मैया क्षमा करो, कल बढ़िया वाली बनाऊंगी, आपके लिए कम मीठा डालूंगी, अब मैं तो पहली बार आई ना, मुझे नहीं पता आप लोग कैसा मीठा खाते, तो कल बनाऊंगी। बहू से खूब लड़ी, खूब लड़ी,
बहू ने सोचा कल ऐसी खीर बनाऊंगी कि इसको लड़ने का मौका ही नहीं दूं। दूसरे दिन सासू ने फिर खीर बनाई, वो बहू ने फिर खीर बनाई, सास के सामने रखी, फिर खड़ी हो गई, अब क्या बोलेगी, वो मुंह में खीर खाई। तब बोली, ए बहू इधर आ। बहू फिर से गई, बोले आज तो बिल्कुल मीठा बढ़िया डाला, पर आज तो बढ़िया डाला, पर तू ये बता कि कल तूने बढ़िया क्यों नहीं बनाया। बस फिर से लड़ना शुरू हो, जरूर मुझसे दुश्मनी निकाल रही है, कल बढ़िया नहीं बनाई तूने, आज बनाई। तो सास होती है, तो सक्कू बाई की जो सास थी वो बड़ी, तो सक्कू बाई जाती थी कि मैं जाकर के कीर्तन करूं, संतों के साथ भजन कीर्तन में नाचूं, पर सक्कू बाई की सास जो थी वो उसको पकड़ के रखती थी, दिन भर काम कराती ताकि समय ही ना निकले कुछ भजन पूजा का। तो एक दिन बिचारी सक्कू बाई बैठी बैठी बर्तन साफ कर रही थी, ये पूरे दिन भर फूटेंगे, सक्कू बाई बर्तन साफ कर रही थी, मांझ रही थी, इतने में ही जोर से कीर्तन की आवाज आई, समझ गई कोई साधुओं की टोली जा रही है, तो मैं भी कीर्तन करने जाऊं, मैं भी नाचूं। पर हिटलर तो वहीं खड़ी थी, वो कैसे जाने दे, सासू डंडा लेके सर पे ही खड़ी थी। तब थोड़ी देर के लिए सास वहां से चली गई, तब क्या हुआ, अचानक से सक्कू बाई ने देखा कि उसकी सास आई, आके उसके सर पे हाथ फेरा, बोला बेटी देख तू दिन भर काम करती रहती, अब ऐसा कर बर्तन तू बंद कर दे, तू जा करके कीर्तन में चली जा, जा। तो सक्कू बाई तो देखती रह गई, आज कहीं इसने कोई भांग भांग तो नहीं खा ली जो नशे में पड़ी है, मुझसे कह रही है कि जाके कीर्तन कर ले, बड़े भाग्य, पर चलो अच्छा ही है, इसकी बुद्धि कम से कम सुधरी तो सही। सक्कू बाई ने तुरंत बर्तन छोड़े और सक्कू बाई दौड़ी कीर्तन के लिए, वहां चली गई। लेकिन ये जो सक्कू बाई की सास थी ना, ये उसकी सास नहीं थी, क्योंकि ये सास बदलती नहीं है, एक बार जैसी है तो ऐसी है, ये स्वयं भगवान ही सास बन के आए थे सक्कू बाई के पास, खुद आकर के कहा कि तू चली जा। अब सक्कू बाई तो चली गई, अब पीछे से जो असली सास थी वो आई कि देख के तो आऊं कैसे बर्तन साफ कर रही है, कुछ कमी निकाल के आऊं। अब भगवान ने सोचा अब क्या करूं, उसको तो मैंने भेज दिया, अब ये सासू आ रही है। तब भगवान स्वयं वहां पर सक्कू बाई बन करके खुद बैठ करके बर्तन मांजने लगे। सास आई, देखा तो वाह वाह, देखो तो सही कितना बैठी है, बर्तन साफ कर रही है, खुश हो गई। लेकिन जब सक्कू बाई कीर्तन करके वापस आई, तब सक्कू बाई को सारी बात पता चली, सास से बात की, तब सक्कू बाई को एहसास हुआ कि वो कोई और नहीं स्वयं भगवान आए थे। तो ये भगवान की दया है, कब किसी के लिए नौकर बन जाए, कभी बहू बन जाए, कभी सास बन जाए, कभी बेटी बने, कभी बाप बने, कुछ भी बनवा लो। अभी बलि की आप कथा सुनेंगे, वामन भगवान याचक बन गए, बताइए भिखारी, जबकि याचक वो दुनिया को देने वाला है, वो बलि के द्वार पर याचक बने देवताओं के लिए। तो ऐसे भगवान को जब गजेंद्र ने पुकारा, तब प्रभु ने क्षण भर भी देर नहीं लगाई, प्रभु तुरंत गरुड़ पर बैठे बैठे वहां आए, आके गजेंद्र ग्रहा दोनों को बाहर निकाला, सुदर्शन चक्र लिया और ग्रहा का सर भगवान ने धड़ से अलग कर दिया, ग्रहा की मृत्यु हो गई। फिर प्रभु ने गजेंद्र पर भी कृपा की, इसके उपरांत गजेंद्र मोक्ष की कथा का सुखदेव जी ने वर्णन श्रवण कराया, इसके बाद समुद्र मंथन की कथा आई, देवता और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, जिनमें विष भी निकला, जिसपे उच्चैःशृभा घोड़ा निकला, कौस्तुक मणि निकली, लक्ष्मी जी निकली, ऐरावत हाथी निकला, कामधेनु गैया निकली,
और अंत में धन्वंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। लेकिन राक्षस उस अमृत को लेके भाग गए। तब देवता प्रभु की शरण में गए। प्रभु ने तब बड़ा ही प्यारा बड़ा सुंदर मोहिनी रूप धारण किया। देव राक्षस मोहिनी पर मोहित हो गए। अमृत का बंटवारा हुआ। देवताओं को अमृत पिला दिया गया, राक्षसों को नहीं पिलाया। राक्षसों को जब मालूम पड़ा कि उनके साथ धोखा हुआ है तो राक्षस और देवताओं में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम। इसके पश्चात राक्षसों ने देवताओं को हरा दिया। देवता स्वर्ग छोड़ के भाग गए और सारे स्वर्ग पर राक्षसों का राज हो गया। तब देवताओं की जो माँ है उनका नाम है अदिति। देवता और राक्षसों के पिता है कश्यप जी। राक्षसों की माँ है दिति और देवताओं की माँ है अदिति। तो अदिति ने जब देखा कि सारे उनके बेटे सारे देवता स्वर्ग छोड़ के इधर उधर छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, तब माँ अदिति ने फाल्गुन मास में 11 दिन तक व्रत किया। प्रभु से वरदान मांगा कि प्रभु मेरे घर एक आपके जैसा पुत्र प्रकट हो जो कि मेरे देवताओं को मेरे बच्चों को उनका हक दिला सके। भगवान ने सोचा मेरे जैसा बेटा, कहा मैया इस दुनिया में मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं, मेरा कोई डुप्लीकेट नहीं, कोई दूसरा ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए लेकिन अब तुमने इच्छा की है तो अब तो इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे घर बेटे के रूप में जन्म लूंगा। इसलिए काल कर्म के अनुसार माँ अदिति के गर्भ से 9वें महीने में भगवान श्री वामन का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री वामन भगवान की। श्री वामन भगवान को भेंट दी गई। सरस्वती आई, उन्होंने छाता दिया। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। भगवान श्री हरि ने पादुकाएं दी। चल पड़े श्री वामन भगवान बलि के द्वार पर। बलि जो यज्ञ कर रहा था आए सभी भाव से श्रद्धा से श्री वामन भगवान का दर्शन करते हुए। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार होगा